सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता का मिलना तो तय है, देखना तो यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। पहले खुद पर मेहनत करो, खुद को इम्प्रूव करो, फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जो उड़ने का शौक रखते हैं, वो गिरने का खौफ कभी नहीं रखते। आज का पंचांग 28 जनवरी 2021 दिन गुरुवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात्रि 12:46 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 3:50 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 2:01 से 3:23 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:16 से 1:03 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। मीन राशि 28 जनवरी 2021 दिन गुरुवार, अभी आप आध्यात्मिक मूड में हैं, शायद दुनिया से हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपने आसपास के विवादों से ब्रेक लेना भी इस समय उचित और बुद्धिमानी होगा। माता पिता या सलाहकार के साथ एक यात्रा की संभावना है। स्वयं के अंदर देखें और अभी अपने धार्मिक विचारों को जांचें। मौज मस्ती और पार्टी करने का समय आ चुका है, इसलिए अपने दोस्तों को बुलाएं और उत्साह के साथ इन छड़ों का मचा लें। नए रिश्तों को लेकर आप उत्साहित और चिंतित दोनों हो सकते हैं। शराब सेक्स और नशीले पदार्थों के प्रलोभन से बचें। अपने दृष्टिकोण को बदलना एक बुद्धिमान और जिम्मेदार व्यक्ति की निशानी है। आर्थिक दृष्टि के लिहाज से आज का दिन श्रेष्ठ है। घर में सुधार संबंधित कार्यों में वास्तु संबंधित नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने में भी रुचि बढ़ेगी। पैसों की आवक आज अचानक से बढ़ेगी। खुद की प्रगति देखकर आपको समाधान प्राप्त होगा। कुछ लोगों के साथ की संबंधों में आपको तनाव महसूस कर सकते हैं, जो आपके अंदर की बेचैनी बढ़ाएगा। आज आपको खुद की ही बातों को ध्यान देने की जरूरत होगी। व्यापार को आगे बढ़ाना आपके लिए संभव हो सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। सावधानियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, जिसे ठीक से निभाने में आपको परेशानी भी होगी, परंतु संयम और धैर्य से काम लें। किसी के साथ बहुत अधिक वाद विवाद में ना उलझें। वाहन का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी से करने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। अच्छा, आपकी अभिलाषा अपने साथी के साथ यात्रा की है, जिसके लिए आप दोनों लंबे समय से योजना बना रहे हैं। आपकी सच्ची खुशी आपके प्यार तक सीमित है और आप अपना अधिकतर समय अपनी साथी के साथ गुजारना चाहते हैं। घर के लिए यह समय संकट भरा हो सकता है। आज आप अपने संबंध को लेकर उत्साहित और परेशान दोनों हो सकते हैं। आपके प्रेम का रिश्ता अभी नया है और इसमें आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से सुरक्षित और प्यार महसूस कराएगा। प्यार के इस चरण में नशे और अन्य गलत चीजों की आदत से बचें। प्यार की इस भावना का मजा धीरे धीरे से लें। बात करते हैं करियर की। आपके करियर और मूड में बदलाव आपको परेशान कर सकता है। आज समस्याओं को अवसरों में बदलने की कोशिश करें। उच्च शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण से आपको नए और बेहतर मौके मिलेंगे। आप जो भी करें उसे दिल और दिमाग दोनों से करें, यही आज का मंत्र है। पार्टी करने और उन लोगों से मिलने के लिए यह वक्त बेहतरीन है जिनसे आपकी मुलाकात लंबे समय से नहीं हुई। एक नया रिश्ता आपको परेशान कर सकता है। लालच से दूर रहें क्योंकि इसे नुकसान होगा। जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी बदलें। दुनिया में सबके लिए अच्छा करें, इसके बदले में आपको भी अच्छा ही मिलेगा। बात करते हैं सेहत की।
आज ग्रहों का आप पर सकारात्मक असर रहेगा और आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। आज आप खुद में और अपने मूड में सुधार देखेंगे। आप मौकों का फायदा उठाएं और कुछ आराम करें ताकि आपको आने वाले समय में इसका लाभ हो। आज का उपाय, आज आप भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।